अस्सलाम वालेकुम, गपशप विद शाइस्ता के साथ मैं आपके सामने, और आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं क्या, सारे लोग ये कहते हैं कि वो आई हैं, उन्होंने देखा है और वो छा गई हैं। ऐसी क्या बात है इनमें, हालांकि शक्ल इतनी मासूम है। आज मैं पूछूंगी जितनी शक्ल से आप मासूम नज़र आती हैं, आप इतनी मासूम हैं, हाउ मीन। लेकिन बात करेंगे हम यमुना ज़ैदी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने इतने खूबसूरत और प्यारे से शो में मुझे इनवाइट किया। एनर्जी बड़ी अच्छी है, सो आई एम एंजॉयिंग। आप जैसे खूबसूरत और प्यारे लोग आते हैं तो ऐसे ही आम सा शो उठ जाता है। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो शक्ल पे इतनी मासूमियत है, घर वाले, क्योंकि घर वाले बंदे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? कभी टॉन्ट करते हुए, लड़ाई करते हुए भाई ने या दोनों बहनों ने ऐसा कहा कि तुम शक्ल से मासूम नजर आती हो? बस नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो मेरे बहन भाई हैं वो मुझसे भी ज्यादा मासूम हैं। सबके चेहरे इतने मासूम हैं। अम्मी को बुलाना पड़ेगा मुझे। दोनों बहनें इतने चेहरे मासूम हैं। अच्छा, मैं जो हूँ मासूमियत का तो खैर सब कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो मेरे घर वाले कहते हैं कि यमुना, अगर तुम एक्टिंग ना कर रही होती ना तो तुम पता नहीं फिर कुछ नहीं कर तुम्हारी इतने हैपहैज़र्ड है तुम्हारी लाइफ, और तुम खुद भी ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो तुम जो है ना, तुमने कुछ नहीं करना हो रहा था अपनी लाइफ में। हालांकि ऐसा गलत है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं एक्टिंग में भी बहुत मेहनत करती हूँ। वो तो हम देख चुके हैं, मतलब 7-8 साल का ये करियर जो है तुमने ऐसे प्ले से, ऐसे रोल से शुरू किया जो कि, मतलब मैं कहूँगी कि जब लोग थोड़े से सीनियर मैच्योर हो जाते हैं ना इस फील्ड में, वो ख्वाहिश करते हैं, उनसे कभी कोई सवाल इस तरह करे तो मेरी ख्वाहिश है मैं ऐसी एक कैरेक्टर करूँ, ये विक्टिम हूँ वो। तुमने तो शुरू ही इतने मुश्किल रोल से किया, तुम्हें कोई मतलब डर लगा था कि ये सोशली कितना एक्सेप्टेबल होंगे? ऐसे रोल्स मुश्किल होते हैं। अच्छा, हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है वाकई, क्योंकि अभी एकदम से मेरे जहन में सारी चीज़ें आईं कि डर लगा। क्योंकि शाइस्ता, एक टेलीविज़न जो है ना वो एक ब्यूटी कह लें, होता है ना जो खूबसूरत इंसान है उसका अप्रूवल है, और मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते थे और मिलते हैं उसमें मिनिमल मेकअप या नो मेकअप होता था, और उसमें ऐसी चेहरे शक्लें बनाना और इवन वो कैरेक्टर्स को भी कैरी करना बड़ा मुश्किल। तो मैं वैसे अपनी आम लाइफ में बड़ी कॉन्शियस हूँ, आती मैंने आपसे पूछा शाइस्ता मेरे ड्रेस से ही लग रहे हैं वो, लेकिन मैं जब ऑन स्क्रीन होती हूँ तो, या मैं टेलीविज़न के लिए कुछ कर रही होती हूँ तो मैं बड़ी बेधड़क काम करती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता वाकई कि मेरा चेहरा काला हुआ है या मेरी लिपस्टिक कुछ नहीं लगी हुई चेहरे पे या फाउंडेशन नहीं लगा हुआ। तो मैं वैसे अपनी आम लाइफ में बहुत कॉन्शियस इंसान हूँ, बट जब टेलीविज़न या किसी कैरेक्टर की उस पर बात आती है तो मैं वाकई में एक से दूसरी दफ़ा नहीं सोचती। तो अंदर का एक्टर जो है ना वो जाग जाता है ना उस वक्त, शायद सामने आता है। हाँ, वो उसके, मैं फिर सेल्फिश होके नहीं सोचती, मैं उस कैरेक्टर के बारे में सेल्फिश हो जाती हूँ शायद, ये कह सकते हैं। अच्छा, ऐसे रोल जो यू नो वो दिखाना, उसका रिएक्शन, और अपने ही घर में एक ऐसी चीज़, खुद अंदर से क्या फील होता है, ये मुश्किल नहीं होता? अच्छा, करना? हाँ, वो सब लोग ये कहते हैं कि डिप्रेस्ड रोल या इस तरह का कोई हैरेसमेंट का कोई विक्टिम है। तो आपके रोल तो आपकी लाइफ का एक, आपकी जात का हिस्सा बनते चले जाते हैं, कहते हैं, लेकिन शायद वो मुझे बाद में कभी इफेक्ट करें या करते हों शाइस्ता। हाँ। लेकिन एट द मोमेंट जब मैं कोई एक सीन अच्छा कर लेती हूँ, होता है ना एक्टर के भी की तरफ से अप्रूवल आता है, यमुना ने कहा कि यार अच्छा किया है तुमने। हाँ। तो जब अप्रूवल आता है तो मैं बड़ा मैं खुश होती हूँ, मेरा एनर्जी लेवल, मेरी पर्सनालिटी में एक और अपग्रेड हो जाती है, और मुझे एज ए ह्यूमन मैं अच्छा फील करती हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन है। बहुत दफ़ा मैंने स्क्रिप्ट्स जब फॉलो किए या देखा तो मुझे लगता था कि यार हो सकता है ये खुद एक्टर उससे एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है सिचुएशन से, क्योंकि आपका रिएक्शन मुख्तलिफ चीज़ों पर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं उसका डिफरेंट, तो उस वक्त कितना कॉन्ट्रास्ट होता है, कितना मुश्किल होता है? कभी कभार मैं एग्री भी नहीं करती, ज़रूरी नहीं किसी कैरेक्टर से या किसी सिचुएशन से मैं एग्री नहीं करती, तो उस वक्त मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हम टेलीविज़न पे जो लोग काम करते हैं
या हम जो एक्टिंग करते हैं, आम आवाम पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचती है कि यू नो ईमान तो अपना अपना होता है, लेकिन मैं कोई किसी को जज नहीं कर सकता. एग्जैक्टली, लेकिन हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन है जज करना, या यू नो किसी भी हवाले से आप दूर से बैठे हुए किसी भी इंसान पर. टीवी पे तो मैं बकायदा मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरा ये सीन सही हो जाए या उस हिसाब से हो जाए. और आप यकीन करें, जैसे अभी आपको बता रही थी कि मेरी पूरी बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको मुझे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मेरा एक एक जो मसाम है वो एक्शन एक्टिव हुआ हुआ होता है, और मेरी बॉडी को मुझको कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है. शायद वो ऑन स्क्रीन ना इतना नज़र आ रहा होता हो, बट मैं बड़ा ख़ुद को अभी मैं इस वक्त बात करते हुए भी ना थोड़ा सा हो रहा है. हाँ, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और मेरी अल्लाह ताला हेल्प करता है. अब वो है जो ऊपर है. मैं बड़ा बिलीव करती हूँ. मैं बड़ी स्पिरिचुअली, मैं अपनी तरफ से कह लें मैं स्ट्रांग हूँ. मैं स्पिरिचुअली मैं दुआ पे बिलीव करती हूँ. मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारी दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, सिचुएशंस बदल देती हैं. तकदीरें बदलती हैं, दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला, आप कह लें कि मैं अल्लाह का ये शुक्र करती हूँ. मैं हम जिस फील्ड से इसमें कभी कभार फेवरेटिज्म भी हो रहा होता है, कभी कभार किसी का राइट जो बनता है वो नहीं मिल रहा होता. हाँ, तो मैं सिर्फ ये अल्लाह ताला मैं ही शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला का कोई फेवरेट नहीं है. अल्लाह ताला के हाँ इंसाफ है, और मुझे ये बड़ा यकीन है मैं जो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद मुझे उसका जवाब ज़रूर मिलता है. तो मैं तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह ताला के वो लोग फेवरेट होते हैं जो उस पर आँख बंद करके ऐसे ही बिलीव करते हैं? मैं यही सोच रही थी पिछले दिनों कि मैं आई यहाँ पाकिस्तान, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता है, तो मैं बड़े सुकून में थी कि मेरे पास मैं गाड़ी में घूम रही थी, मैं अपने काम कर रही थी, चीज़ें देख रही थी और कोई टेंशन नहीं थी. तो मैंने सोचा कि मुझे इस वक्त अपने बैंक बैलेंस में है तो मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास ए बी सी ऑप्शंस हैं. तो मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं मैं अल्लाह पे ऐसा बिलीव करूं जैसा मुझे अपनी आँखों से दिख रही है जो चीज़ कि मेरे पास सपोर्ट है, तो क्यों ना मैं अल्लाह पे ऐसा यकीन करूं तो मुझे कितना अच्छा ही होगा, है ना. पता नहीं मैं इसको अल्फाज में बयान कर सकी हूँ कि नहीं बात, क्योंकि ये तो बहुत दुनिया की सपोर्ट है ना. जब ये तो दुनिया की सपोर्ट है, वो भी इट शुड नॉट मैटर. ऐसा एतबार मुझे अपने रब पे करना चाहिए जिस जो कि हमेशा मुझे हेल्प करता है. हाँ. और मैं करती भी हूँ, लेकिन हम लोग इंसान है ना. नहीं, लेकिन ये कितनी अमेजिंग चीज है कि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना तुम्हें यमुना, वो कहीं से नहीं मिलता. वो जो और मजेदार बात ये है कि ये इतनी अमेजिंग फीलिंग है कि बस वो ही सुनेगा, मांगना उसी से है. एग्जैक्टली. और मैं इस पे इतना शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है कोई सुने ना सुने, कोई चीजें खराब हो जाए जिंदगी में, कुछ हो जाए, आप एक अल्लाह से दुआ करेंगे तो उसका तो जवाब तो मिलेगा ही. मुझे लगता है कि यही जो सपोर्ट है ना, जो ये आपका बिलीव है, ये इतना स्ट्रांग है. और इसने जब से तुम्हारी फैमिली अमेरिका मूव हुई, तुम पाकिस्तान आ गई और तुम अकेले, मतलब वो उसका साथ था. एग्जैक्टली. मैं सोचती हूँ कराची जैसे शहर में, और फिर काम करते हुए, ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हुए जिसके हर कदम पे कॉन्ट्रोवर्सी है, हर दूसरे कदम पे नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है. तो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हुए माशाल्लाह, और अकेले भी रह रही हो, कोई तुम्हारे खिलाफ कंट्रोवर्सी नहीं आई, कोई नेगेटिव बात नहीं आई, कोई तुम्हारा अफेयर नहीं बना. हाँ. किसी के साथ नाम नहीं आया. ये बड़ी बात, ये चीज, ये पता है, जैसे मेरे सिस्टम में रहते हुए जहाँ कुछ ना होते हुए भी चीजें बन जाती है. मेरे ब्रदर इन लॉ जैसे हमेशा कहते हैं कि यू नो हम और पस हम करते भी शोबिज में काम है जहाँ पे ओपन कंपटीशन है, जहाँ पे रिजल्ट्स यूं आपको मिल रहे होते हैं. तो हमेशा कहते हैं कि जो पाथ ऑफ ग्लोरी है या ग्लोरी की तरफ आपका, मुझे नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन किधर है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि इन तमाम चीज़ों, तो वो हमेशा ग्लोरी का जो रास्ता है वो हमेशा बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है. उसके हिसाब से फिर भी मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत आसान है और बहुत आसानी है हमारे लिए. तो अच्छा, घर वालों से अलग होना काम के लिए, अपने शौक के लिए एक्टिंग करनी है, कितना डिफिकल्ट था?
मैं ऐसे अलग हुई कि अलग एज एन के फैमिली उधर होती थी और तीन साल पहले जब कि मेरे मुझे बहुत होता है ना, पहले तो आप यू लुक फॉरवर्ड के कोई प्रोजेक्ट मिले, फिर एक टाइम आता है कि आपके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट पड़े होते हैं और आपने उसमें से पिक करना होता है, तो वो टाइम वो था असल में जब मैं अमेरिका चली गई, और फिर वो मुझे वहाँ रहना भी पड़ता था क्योंकि टाइम पीरियड मुझे वहाँ एक सर्टेन टाइम पीरियड गुजारना, हाँ, तो अब जनाब वहाँ पे जाके वहाँ वो मोमेंट था, मैंने वहाँ पे जाके शोबिस को कितना मिस किया, पाकिस्तान की मिट्टी को, मतलब पाकिस्तान में रहने का जो मजा है उसको कितना मिस किया। अच्छा, शोबिस को तो भी छोड़ दे, मुझे पाकिस्तान वैसे ही, मुझे वैसे ही शाइस्ता, हम जब सिनेमा में जाते हैं फिल्म देखने के लिए तो जब कौमी तराना बजता है या कभी भी कौमी तराना बज रहा होता है या कभी भी हमारे मिली नगमे चलते हैं तो मुझे रोना आ जाता है। मुझे बहुत मोहब्बत है अपने कंट्री से और मुझे नहीं आइडिया था कि मैं जब वहाँ चली जाऊँगी तो मैं कितना ज़्यादा मिस करूँगी, और ये बात वहाँ पहुँच के तुम्हें ज़्यादा लगी हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा लगी और इसमें किसी का कसूर नहीं होता, शायद अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि कहाँ पे किसका, जैसे किस मेरी वालदा कहती हैं कि दाना पानी होता है तो आप पहुँचते हो, वो टाइम पीरियड गुजारना, शायद वो मेरे लिए इम्तिहान था, तो वो टाइम मैंने गुजारा और उस टाइम में मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं वो बंदी हूँ जो मैं सबको हंसाती हूँ, सारे मेरे फ्रेंड्स शायद मुझसे बहुत से अपने प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ या मशवरे करते हैं, या मैं घर में भी हमेशा हंसाती रहती हूँ, तो वहाँ पे वो मैं हुई कि मैं वीक हो गई, तो मैं वीक हुई वहाँ पे, मैं वीक थी तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरे सब फ्रेंड्स कहते थे या मेरे घर वाले या फैमिली वाले कि यहाँ पे तो चलो यूं ना तुम बहुत बिजी होती थी, वहाँ पे तो तुम बिजी नहीं थी, तो मैं कहती थी नहीं यार दिन रात का डिफरेंस है या कुछ है एक्स वाई जी है, तो मैं बात करना नहीं चाहती थी किसी से वहाँ पे। मेरी अम्मी होती थी वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अम्मी से कहती थी अम्मी कुछ टाइम के बाद मैं आपको शबाना या नाहिद कहना शुरू कर दूंगी आपके नाम से बुलाया करूँगी क्योंकि अब मेरा आप में ऐसा ही डिफरेंस रह गया है जैसा दोस्तों में होता है। ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही मुझे बड़ा मैं इंजॉय करती हूँ, उसके प्लस भी है और माइनसेस भी है, फिर वो लड़ाई भी दोस्तों की तरह ही हो रही होती है और जो है वैसे दोस्ती भी वैसे हर चीज़ शेयर भी मैं करती हूँ, तो वहाँ पे जाके फिर मैं बड़ी खामोश हो जाती थी, लेकिन वहाँ पे जाके फिर मैंने बहुत सीखा, बहुत वहाँ एकदम से मैं गई, मैंने रेडियो किया, मैं बिजी होना चाहती थी, हाँ मैंने वहाँ पे एक चैनल था वहाँ पे मैंने रेडियो शुरू किया, मैं वहाँ बोलती थी, सिर्फ रेडियो पे बोलती थी, अदरवाइज मैं नहीं बोलती थी, और मैं चाहती थी मैं मसरूफ हूँ, तो एक वहाँ एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारी, और यहाँ पे ना प्रोटोकॉल बड़ा मिलना शुरू हो गया था, मैं कहती थी नहीं, समबडी से नोबडी हो गई, हाँ, तो मुझे मैंने अपने आप को देखा, तो मैं वहाँ से कहती थी कि मैं वहाँ पे यहाँ पे ना मैं बड़ा आपके अंदर एक थोड़ा सा प्राउड भी आप हो जाते हो, नहीं रेस्टोरेंट में मैंने वेट नहीं करना, किसी और रेस्टोरेंट में चले यहाँ पे अगर वेटिंग ये, या तुमने गलती की तो तुमने गलती क्यों की, जो कि मुझे खुद नहीं फील हो रहा था कि ये मेरे अंदर चीज़ें आ रही हैं। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जब मैंने जॉब की तो वहाँ पे अगर मेरे से गलती हो जाती थी वहाँ, तो मैं ना आम इंसान थी, वो आपकी तो खत्म हो जाती, वो गोरे या जो वहाँ पे मेरे लोग थे तो वो कहते थे कि इट्स ओके, तो मैं सोचती थी कि यार, तो फिर वहाँ पे चलो मेरा लॉस एक तरह से तो नहीं मैं कहूँगी, वहाँ रहते हुए मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन वहाँ पे मेरा गेन एज अ ह्यूमन बींग बहुत हुआ कि मेरी पर्सनालिटी में बहुत चीज़ आई थी, मुझे लगता है हाथ उस जर्नी का है जो पहले तुम यहाँ तय कर चुकी थी। Exactly. अगर वो नहीं होती ना तो फिर वो कुछ और चेन बनती नहीं। Exactly. तो वो ये अल्लाह जो करता है जैसे करता है, जिस तरह से चीज होती है वो एक्चुअली आपको लर्न कराना होता है, आपके सामने लानी होती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाना होता है, अगर अल्लाह ताला हमारे पे नजरे करम रखे, वो हर किसी पे होती भी नहीं है, तो एक पॉजिटिव वे में अगर हम सोचें तो ये भी एक चीज बड़ी अच्छी है। तो सो क्या सोचा अमेरिका से उठ के, कैसे आई कि जी मुझे काम करना है, बस मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, योर प्रोजेक्ट्स के लिए आती रहती वहाँ पे, मैं आती रहती थी, मैं 6 मंथ्स के लिए आती थी, मैं फिर वापस चली जाती थी, वहाँ पे होती थी तो मैं साइकिलिंग करती थी, रनिंग करती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, वेट गेन हो जाता था,
फिर हॉट योगा करती थी, कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती थी, और फिर मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ती थी कि मैंने कौन सा स्क्रिप्ट करना है. वहाँ रहते हुए डिप्रेशन होती थी यमुना? मैं बहुत मैं अच्छा नहीं समझती. हालांकि बहुत बुरी बात है कि अगर आप अच्छा ना समझो, कितनी बुरी बात है वैसे. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी में जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में टफ टाइम्स देखे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा शेयर करती भी नहीं, ठीक है मेरी लाइफ है, लेकिन मैं कहती थी मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं हर चीज़ फेस कर सकती हूँ. और वहाँ अमेरिका जाके मैं इतनी बेचारी में बेबस हो गई. मैं मिस करती थी. मेरे फ्रेंड्स सारे यहाँ थे, मेरी पढ़ाई यहाँ की थी, मेरा काम यहाँ का था. मुझे जंप भी तो आती है, कल्चरल जंप ऑलरेडी शॉक होता है थोड़ा. एग्जैक्टली, जो कि आप शायद इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि नहीं नहीं तो क्या. एग्जैक्ट, लेकिन आपको लग रही है हर छोटी सी छोटी चीज में होता है. बट पता है वहाँ की लिविंग, आप भी वहाँ पे रही है, वहाँ पे लिविंग बहुत आसान है. वहाँ पे आपके राइट लेफ्ट के जो मसले मसाइल होते हैं ना, वो भी नहीं होते. अच्छा, मुझे इससे ऑपोजिट लगता है. मुझे लगता है वहाँ लिविंग इतनी मुश्किल है. अच्छा, हाँ मुझे लगता है वहाँ लिविंग इतनी मुश्किल है कि आप सुबह से रात तक सिर्फ लिविंग में ही पागल हुए रहते हो. हाँ, आप इतने चक्रों में होते हो कि आपको किसी और अपने आप का तो मतलब कुछ सोच कुछ ख्याल ही नहीं आता. और जब आप बाय द टाइम आप घर पहुंचते हो तो वो इतने ड्रेन हो, आपने सोना है और दोबारा से यही तो मैं कहती हूँ कि खैर. लेकिन पता है मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ यहाँ बहुत अच्छी थी, सेटल्ड थी. बहुत से लोग ख्वाब देखते होंगे कि हम वहाँ जाएं. मुझे बहुत से लोग मिलते हैं कहते हैं वाह वाह यार यमुना वाह यार. मैं सोचती हूँ कि यार देखो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है. मैं बहुत नाशुक्री तो बहुत सोचने वाली लगती हूँ. इतना सोचती हूँ, सीरियसली ओवर थिंक करो. होना नहीं चाहिए लेकिन हाँ किसी किसी तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी रिलेशनशिप में जाना? लगता है है, मेरे गीत के लोगों को पता है, मेरी अम्मी को, उन सबको. ये तो एक अलग रिश्ते हैं, एक वो खास रिश्ता होता है ना. हाँ है ना, उसके लिए बड़ा तुम्हें लगता है तुम चैलेंजिंग होगी? तुम आप सही तुम्हें ये लगता है? मैं चैलेंजिंग, पता है मैं अंदर से एक इजी इंसान हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे घर वालों को पता है. हाँ, क्योंकि मैं बहनों में छोटी भी थी, सबके काम करने, अभी भी काम ये वो. वहाँ पे भी अमेरिका में मेरी ड्यूटी लगी होती थी, यमुना ये खाना फलाना, अम्मी कहती थी मैंने बनाया है तुम वहाँ दे, वहाँ ड्रॉप कर दो, वहाँ से ये चीज़ें ले आओ. ये भाई सी बात है, बंदा जो फारिग हो तो ऐसी ड्यूटीज आपको मिलती हैं. लेकिन रिलेशनशिप की जहाँ तक वो है, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या सोचती हो, मतलब क्या क्या होना चाहिए? मैं सोचती हूँ शाइस्ता कि मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी प्लान की थी ना, तो वैसी तो नहीं हुई. मेरा तो नाकिस सा प्लान था. अब मैं सोचती हूँ अल्लाह मियाँ का इतना आला प्लान था, तो उस हिसाब से मेरी लाइफ ये मैंने कुछ भी 1% इसमें से प्लान नहीं किया हुआ था, तो उस हिसाब से मेरी लाइफ ऐसी स्मूथ चलती गई और मुझे अच्छी भी लगती गई. तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने यकीनन मेरी ज़िंदगी में कोई एक शख्स जैसा मुझे अल्लाह ने बनाया है और मुझे इस वक्त तराश के रेडी अभी भी मैं हो रही हूँ, तो फाइनल रिलेशनशिप के लिए. हाँ. और मैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स पे तब बिलीव नहीं करती, क्योंकि एक जो निकाह है, जो शादी है, वो बड़ा मुकद्दस और बहुत जायज आजकल. हाँ. हाँ. और खैर मैं इस पे किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहती, हर किसी की अपनी ज़िंदगी लाइफ होती है. तो अब क्या होता है कि तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला तो जैसा मुझे रेडी कर रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए यकीनन किसी को अल्लाह ताला रेडी कर रहा होगा, या उसकी वो मैं टेंशन नहीं लेती. उसकी मुझे वाकई टेंशन नहीं. मैं मुझे ये टेंशन है कि अभी जो अल्लाह ने मुझे अभी जो टास्क दिया है ना, उसको मैं सही तरीके से पूरा कर सकूं. अच्छा, तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हारे अपने जो तुम लोगों की लॉज के एक्टर्स हैं, मेल और फीमेल, जब तुम उनके साथ बैठती हो या बातें करती हो या फ्रेंड्स हो तुम लोग सारे, तो जो तुम्हारी अभी इतनी खूबसूरत मैंने सोच सुनी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें आउटडेटेड, कंजर्वेटिव, बैकवर्ड, ये सब अल्फाज आई एम श्योर अगर तुम इस तरह की सोच के हो तो मिलते भी होंगे, सुने भी होंगे, या मुंह पे नहीं बोलते होंगे तो समझते होंगे शायद. हाँ, समझते हो. हाँ. शायद कहते हो
लेकिन मुझे एंड यू आर ओके विद दैट आई एम कंप्लीटली फाइन बिकॉज आई एम हैप्पी हु आई एम मुझे किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए खुश होने के लिए वो अंजुमन अपने अपने आप में ऐसा भी नहीं मेरे फ्रेंड्स हैं उनके हाँ. साथ मैं बहुत बोंगी सी हूँ हाँ. उनको हंसाती भी हूँ और अच्छा गुड सीन होता है फ्रेंड्स टीवी वाले भी हैं अच्छा. टीवी वाले भी हैं और उनको पता है कि यमुना में कितना सब्सटेंस है हाँ. और कितना वेटेज है इसकी पर्सनालिटी में या इसकी सोच में हाँ. उनके और ये कि बाकी जो एक्स वाई जी है उसको ना तो मैं इतना वो करती हूँ हाँ. अब मेरे बारे में सोचना है तो सोचते रहे हाँ. वो तो खैर उस पर तो किसी की सोच पे लेकिन यूजुअली मुझे अच्छे लोग मिलते हैं चाहे वो मेरे मुंह पे अच्छे हों अच्छे हाँ. होते हैं अच्छा इतनी डिवोटेड सी इतनी ऑनेस्ट हाँ. सी लड़की को अगर कोई ससुराल या हस्बैंड ऐसा मिला जिसने कहा एक्टिंग नहीं करनी अब तो करनी है या फिर मतलब लड़ाई कर लेनी है या तुमने कहना नहीं ठीक है सही है खैर फिर भी जो भी होगा वो मैं सोचती हूँ कि मेरी चॉइस होना चाहिए हाँ. हर किसी की क्योंकि वो करियर मेरा है ना पीछे हाँ. तो मैं ये सोचती हूँ कि अब हो सकता है कि मैं खुद ना करना चाहूँ हाँ. तो ये तो एक सरप्राइज बॉक्स है ना उसके साथ ही फिर वो खुलेगा हाँ. तो वो उसी सिचुएशन के मुताबिक डील कर हाँ, लोगी हाँ, तो ठीक हाँ, हाँ, अच्छा मूवी में काम करने का क्या है मूवी मिले और मूवी करोगी अच्छा मूवी का मुझे शौक बहुत है हाँ. और हमारी पाकिस्तान में बन रही है बहुत अच्छी मूवीज भी बन रही है लेकिन मेरे सिलेक्शन बड़ी हार्ड मुझे कहते थे शुरू शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे डायरेक्टर्स कहते थे यमुना तुम्हारे लिए तो मेन्यू कार्ड होना चाहिए इतनी सारी तुम्हारी फरमाइशें होती हैं या फरमाइशें एज इन कि तुम्हारी इतनी रिजर्वेशन है या तो अभी मूवी जब मैं ड्रामा के लिए इतना ज़्यादा वो करती हूँ तो मूवी के लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ होगा हाँ तो मैं मूवी मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ मैं चाहती हूँ मैं हॉलीवुड में भी मैं अपना वो वाला भी यूटिलाइज करूँ जो मैं इतना वहाँ पे उम्र कैद काटती हूँ तो मैं वो भी वो करूँ तो मैं जो हूँ करना चाहूँगी लेकिन थोड़ा सा नहीं अगर कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेडली तुम्हें किसी वो क्या कहते हैं आइटम नंबर का नहीं नहीं खैर वो तो नहीं वो आइटम नंबर तो बिल्कुल नहीं आई थिंक अब आइटम नंबर की भी जो है ना मेरे ख्याल से कह लें वो चेंज हो रहे हैं जैसे अभी माया ने डिफरेंट तरीके हाँ, का किया था हाँ, वो अच्छा था हाँ, मुझे तो अच्छा वो डिसेंसी और ग्रेस के साथ कोई भी चीज एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो हाँ, बट नॉट दैट टिपिकल वन वो तो अब बेचारे वैसे आउटडेटेड हो गए अब तो हमें हाँ. भी नहीं करने चाहिए अच्छा जब आप एक्टर बनते हैं ना और आपकी अपनी लाइफ अपनी नहीं रहती हाँ. ये सबसे बड़ा बुरा हाँ. वाला पार्ट होता है ना तो सोशल मीडिया पर अपना ये कमेंट पढ़ती हो अपने इंस्टा को चेक करती हो तो वो गुस्सा आता है यमुना को या फिर तुम कहती हो कि ठीक है मैं मुझे पढ़ना ही नहीं है डिप्रेशन होती है हाँ नहीं मैं तो खैर पढ़ती नहीं हूँ बहुत ज्यादा लेकिन लकीली मेरे मेरे तस्वीरों के नीचे बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते बहुत ज्यादा नहीं हाँ. आते लेकिन अगर आ भी जाए तो ज्यादा आते हैं यमुना के कान बहुत बड़े हैं देखो जरा कितनी गलत बात है कान मैं कहती हूँ हाँ वैसे मैं आईने में देखती हूँ कहती हूँ हाँ है तो सही तुमने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा उसके बाद तुमने देखा होगा तो सही रहे वैसे आप लोग नोट तो बड़ा अच्छा करते हैं तो वो भी एक बात मजे की है अच्छा ये टिकटॉक टिक हाँ ये क्या है मैं सोचती ये बहुत शौक है हाँ ये मुझे मैं सोचती हूँ शायस्ता वैसे मैं आप देखती हैं टिकटॉक मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार फारिग टाइम हो ना तो टिकटॉक में एक डेढ़ घंटा यूं निकल जाता है और मुझे पता नहीं चलता मैं कहती हूँ कि यार सीरियसली और वो बड़ा लोगों ने बड़ी एफर्ट की होती है मैं सोचती हूँ वो कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं हम मुझसे तो कहीं ज्यादा ऐसे एक्ट्रेस मिल जाते उसको मैं देख के परेशान हो जाती हूँ कितनी कितनी एफर्ट की है कितना क्या कमाल लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना करी होती एक्टिंग तो शायद मैं भी टिकटॉक बनाती मजा आता है किसी और की आवाज में एक्शन बना के वो बड़ा मजे का लगता है लेकिन फिर मजा आता है जब लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं वायरल हो रही होती है चीजें आज तक मैंने तो टिकटॉक की वीडियो नहीं बनाई कभी कभार म्यूजिक ऐड कर लेती हूँ अपनी वीडियोस पे बट वैसे नहीं मुझे मैंने अंदर इतनी करेज नहीं है अपने डायलॉग पे नहीं बोलती सोशल मीडिया का यूज खुद को कितना सेट पे कितना मोबाइल यूज करती हो घर में अगर तुम अकेली हो और अम्मा अब्बा सारे अमेरिका में हैं और तुम एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई भी हो तो तुम्हारा बहुत सारा ड्रामे की शूट के बाद टाइम तो सारा मोबाइल और लैपटॉप में इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया चलाना बड़ा जरूरी है क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ मैं कहती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हों या कुछ इस तरह ये बहुत होता है कि आपके जो फैंस हैं वो बड़ा आप फॉलोअप चाहते हैं हाँ. और अगर कोई इशू पे बात करनी हो या किसी चीज पे कमेंट करना हो तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम यूज होता है मेरे अच्छा, प्रमोशन के लिए यूज होता जब है जब एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला महविश को हाँ. और फिर बहुत एक डिबेट चली वो चीज एक चीज तो वो तुम्हारा उस पर क्या टेक था आई रियली लाइक महविश हयात का जो पूरा जर्नी है वो
You know, she's my senior, she's a beautiful lady and a wonderful actress. And unka jo graph hai wo bada lekin ye awards show hote hain, ye kisi bhi actor ki life mein bada badi cheez add kar dete hain, appreciation milti hai na usse. To ab jaise tumhe bahut dafa nominate kiya gaya lekin award nahi mila, to tumhe apna phir kya kya maine to apne aap ko bada wo kar liya hai na, jise kehte hain strong is mamle mein. अब ये है कि हर दफा गुस्सा आता है जब अवार्ड नहीं मिलता, आखिर में नाम नहीं बोला जाता तो गुस्सा आता है. नहीं, मैं पहले से अपने आप को इतना प्रिपेयर करती हूँ, भाई यमुना अवार्ड तुम्हें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जस्ट एंजॉय करने के लिए जाओ. अब लेकिन ह्यूमन नेचर होती है, आप एक्सपेक्ट तो करते हो, मेहनत भी करते हो. और मैं एक वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हूँ जिसको हमेशा से उसकी एक्टिंग पे आगे काम मिला, या हमेशा उसकी एक्टिंग पे ही उसको सराहा गया, अप्रिशिएट किया. अब वो एक्टिंग भी कभी अवार्ड नहीं मिला तो वो मैं कहती हूँ कि यार देखो शुरू से मुझे एक्टिंग. अच्छा, लेकिन लेकिन तुमने जिस तरह की एक्टिंग की, जिस तरह के रोल्स किए, और जैसे हमने अपनी बातचीत जब हम गपशप लगा रहे हैं ये इसमें जब हमने पहले जो बात की थी कि इतने स्ट्रॉन्ग रोल्स और ऐसे रोल्स जिनसे लोग घबराते भी हैं कि पता नहीं सोशली कितनी उनको तनकीद सहनी पड़ेगी, क्या होना पड़ेगा, तो तुम्हारे कैरेक्टर से ही मिलता जुलता सवाल मी टू मूवमेंट आपको पता है किस तरह पूरी दुनिया में चली है, और कहीं बहुत अच्छे तरीके से सही यूज किया गया, कहीं उसको बुरे तरीके से भी बहुत यूज किया गया. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बात यह है कि आजकल औरत भी बड़ी स्ट्रांग है, और औरत की भी मर्जी के बगैर भी कुछ नहीं. ठीक है, वो सर्कमस्टेंसेस पीछे जो भी हैं, आपका वो तो होल्ड आपके हाथ में, आपने जहाँ पे, बल्कि डोर आपके हाथ में, आपने जितना लूज करना है वो आप अगर टाइट पकड़ लोगे तो वो आगे नहीं खींचा जाएगा, तो आप उसको लूज करके और फिर आप. बट यू थिंक मीडिया में इस बहुत जरूरी है पीआर होना, एक खास हद तक बेतकल्लुफ होना आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं. डिफरेंट लोगों की डिफरेंट वो है ना फॉर्मूलाज हैं या तरीके हैं काम करने के. जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे लगता था कि लकी आ गई, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यार वाकई पीआर वगैरह होना बड़ा ज़रूरी है, आपको हाईलाइट करें. लेकिन एक अपना वैसे भी फेथ होना चाहिए कि यू नो आपका किस्मत का सिक्का चमकना हो तो चमक सकता है. अच्छा, दो स्क्रिप्ट है ना तुम्हारे पास आए हुए, इमरान अशरफ, समी खान, कौन सा पिक करोगी? अभी तो मैं वो स्क्रिप्ट कर रही हूँ जिसमें वो दोनों हैं. हाँ, तो सही है, दोनों के साथ बात. नहीं, दोनों में से किसी एक से तो लड़ाई कर रहा हूँ ना, ऐसी होस्टिंग भी किस काम की? अल्लाह, अभी दोनों के साथ काम किया शायद. हाँ, कोई और सवाल पूछ रही थी यार. कोई अच्छा और सवाल पूछिए, यकीन कर मैं आपको जवाब दे दूँ. इमरान अशरफ ज्यादा हैंडसम है या समी? आपने इन दोनों से लड़ाई करवानी है, इन दोनों में से किसी एक से करानी है. अच्छा, समी ज्यादा अच्छा एक्टर है कि होस्ट? एक्टर बहुत अच्छा है, होस्टिंग तो मैंने तुम्हारी होस्टिंग को इसने बुरा कहा है. और इमरान भी बहुत ही जबरदस्त एक्टर है. हाँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्टर है कि मुझे वो कभी कभार बहुत अच्छा लगता है. और वो मुझसे पूछता था, यमुना एक्टिंग मैंने सही, इतना अच्छा सीन करके कहता था, यमुना मेरा सही हो गया. यार तुम उन लोगों में से हो जो कहते हैं कि यार पेपर पता नहीं अच्छा नहीं हुआ मेरा, और आखिर में जब रिजल्ट आता है तो टॉप पे कर रहे होते हैं. तो इमरान दास है ना. चलो इमरान के लिए मगर क्लैप करते हैं जी, आपके लिए इमरान. थैंक यू सो मच यमुना, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ टाइम मुझे पता भी नहीं चला. थैंक यू सो मच. और आपसे तफसीली मुलाकात कहूंगी या छोटी मुलाकात, इसका ये तफसीली मुलाकात थी वैसे, और अच्छी बात लगा कि 10 मिनट में हमने बातचीत खत्म कर दी, मुझे ऐसे ही लगा. हाँ, मुझे भी लग रहा है प्रोग्राम कैसे खत्म हो गया. मैंने बहुत एंजॉय किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ये हैबिट की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, बहुत खूबसूरत है, और ये भी हैबिट की तरफ से, और ये नूरमा कमाल की तरफ से आपके लिए, और स्पेशली इस लोकेशन के लिए हम हैबिट का बहुत शुक्रिया कहेंगे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सेट दे दिया अपना, कि आइए जी प्रोग्राम कर लीजिए. थैंक यू, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यमुना जैदी, और आप लोग देख रहे हैं शाइस्ता लोधी का यूट्यूब चैनल. इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें.